नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की तरफ से कांस्टेबल के पदों पर निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, आप किस तरीके से इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 के लिए, जो आपको यहां पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर पद के लिए, इनकी अपडेट के बारे में, तो देखिए यहां से आप वैकेंसीज का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा या फिर जो आपका अथॉरिटी नेम रहेगा या इंडियन रेलवे रहेगा, आईआर की तरफ से आपके इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, और आपका डिपार्टमेंट नेम यहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रहेगा। पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के पदों पर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। एंड दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 9739 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड रखी गई हैं। सो काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ में जॉब लेवल आपका जो है यहां पर नेशनल टाइप का रहेगा, एंड जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे, जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी कैंडिडेट अपना 10वीं क्लास पास कर चुका है, अपना 12वीं क्लास पास कर चुका है, या फिर अपना ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कर चुका है, तो वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस में यहां पर अनरिजेक्ट कैंडिडेट को ₹500 एंड रिजेक्ट कैंडिडेट को ₹250 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एग्जाम डेट जो है आपकी जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। एंड दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित सारी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी rpf.indianrailways.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल के बारे में बात कर लूं, तो देखिए यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं आरपीएफ रिक्रूटमेंट वैकेंसीज 2023 के लिए। जो आपको यहाँ पर कांस्टेबल मेल के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, 4403 पदों पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर मेल सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 819 वैकेंसीज रखी जाएंगी, साथ में कांस्टेबल फीमेल के लिए 4216 वैकेंसीज रखी जाएंगी, और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 301 पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। टोटल 9739 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात करें तो देखिए, कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर रखा गया, इसमें इंडियन सिटीजन कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। एंड दोस्तों, कांस्टेबल पद के लिए 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए यहां पर 20 से 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, और जो भी कैंडिडेट अपना 10वीं क्लास, 12वीं क्लास या फिर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कर चुका है, वो कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को बताऊंगा कि जो आपकी एज लिमिट रखी गई है, इसमें एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में भी यहां पर छूट मिलने वाली है। हाउ टू अप्लाई के बारे में बात कर लें कि किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। रेलवे प्रोटेक्शन
फोर्स के लिए या फिर आरपीएफ रिक्रूटमेंट के लिए जो आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अगर इनके बारे में बात करें तो देखिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए, एंड 10वीं की मार्कशीट आपको यहां पर लगानी होगी जिसमें आपकी डीओबी को चेक किया जा सके, 12वीं की मार्कशीट आपको यहां पर लगानी होगी। साथ ही में अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर ग्रेजुएशन डिग्री की मार्कशीट भी आपको यहां पर लगानी होगी, एंड इसी के साथ में आपका जो है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास में होनी चाहिए, सिग्नेचर आपको यहां पर लगाना होगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए या फिर कांस्टेबल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल कैंडिडेट को ₹500 एंड रिजर्व कैंडिडेट को यहां पर ₹250 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एंड इसी के साथ में दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, इसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, देन आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाएगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए जनरल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक से आपके जो है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहेंगे, और जनरल रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन 35 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा, और 1/3 आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी कंडक्ट करवाई जाएगी अगर आप कोई भी यहाँ पर गलत आंसर देते हैं तो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करें या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो देखिए कांस्टेबल मेल पद के लिए जो 1600 मीटर की दौड़ रहेगी इसे 5 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, वहीं लॉन्ग जंप 14 फीट की रहेगी और हाई जंप 4 फीट की रहने वाली है। कांस्टेबल फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ रहेगी जिसे 3 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और 3 फीट की हाई जंप आपकी रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर मेल पोस्ट के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, वहीं 12 फीट की लॉन्ग जंप रहेगी और 3 फीट 9 इंच की आपकी हाई जंप यहां पर रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 4 मिनट में आपको 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी, 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और 3 फीट की आपकी हाई जंप यहां पर रहने वाली है। सो इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।